हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हर्टॉग कमेटी के बारे में। तो हर्टॉग कमेटी को समझने से पहले इंडिया का क्या कंडीशन थी, क्या सिनेरियो था उस समय, उसको समझ लेते हैं। इंडिया में 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, जिसके तहत इंडिया में डायरकी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डायरकी सिस्टम मतलब इंडिया में अब दो गवर्नमेंट रूल करेंगी, एक तो था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ डायरकी सिस्टम में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला था रिजर्व सब्जेक्ट्स और दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट्स को टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या उनको गवर्न करेगी, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में था। लेकिन एजुकेशन को ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया, लेकिन गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं लूज होने दिया। उन्होंने यूरोपियन स्टूडेंट की एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो BHU, DU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनको अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो ये जो पूरा सिनेरियो था या ये जो सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए थे उसको लेके इंडियन जो लीडर्स थे वो बहुत ही नाराज थे और उसको फोर्सफुली अपोज कर रहे थे। तो इस कंडीशन के चलते उस समय पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा था, 1919 में महात्मा गांधी ने जो चलाया था, साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो इस पूरी सिनेरियो को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जज कर रही थी तो उसे लगा कि उसे कुछ चेंजेस या कुछ इम्प्रूवमेंट सिस्टम में लाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन को इंडिया बुलाया। साइमन कमीशन ने एक कमेटी बनाई जिसे ऑक्सिलरी कमेटी का उसने नाम दिया और सर फिलिप हर्टॉग को उसने ऑक्सिलरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया। सर फिलिप हर्टॉग जो थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसके भी मेंबर रह चुके थे और ढाका यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी थे। आगे प्राइमरी एजुकेशन पे सजेशन देने से पहले फिलिप हर्टॉग ने वहां की सिचुएशन को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि प्राइमरी लेवल पे वेस्टेज और स्टैग्नेशन की कंडीशन ज्यादा थी। वेस्टेज मतलब बच्चे अपना प्राइमरी जो लेवल था उनका उसे कंप्लीट करने से पहले ही विड्रॉल ले लेते थे, स्कूल छोड़ देते थे। और स्टैग्नेशन की अगर हम बात करें तो स्टैग्नेशन का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा सेम क्लास में रिटेन करता है फॉर मोर देन वन वन ईयर, यानी कि एक साल से ज्यादा जब बच्चा सेम क्लास में रिटेन कर रहा है उसे स्टेग्नेशन कहते हैं, यानी कि वो उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ये जो सिचुएशन थी इसके चलते फिलिप हर्टॉग ने कुछ रिकमेंडेशन बताए। इसमें उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके नंबर को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को चेक किया जा सके। उन्होंने ये भी बोला कि प्राइमरी एजुकेशन को जल्दबाजी में कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए, जो स्कूल फंक्शनल हैं पहले उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जानी चाहिए। अनफंक्शनल स्कूल्स को बंद करने की बात उन्होंने करी। उन्होंने ये भी बोला कि प्राइमरी स्कूल को सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट बनाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का मन लगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें वो स्कूल में। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि विलेज रिफॉर्म की बात होनी चाहिए स्कूल में, यानी कि विलेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वहाँ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन लेने होंगे वो उसका डिस्कशन स्कूल में ही होगा, उसके सॉल्यूशन हम स्कूल में ही निकालें, जिससे कि विलेज में रिफॉर्मेशन लाया जा सके। थर्ड, उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने कहा कि एडल्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड की जानी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में। नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि जो टीचर्स होंगे वो क्वालिफाइड हों और ट्रेंड हों, यानी कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजिकल मेथड वो यूज कर सके बच्चों को एक तो इंटरेस्ट क्रिएट करने में, दूसरा जो स्टेग्नेशन की कंडीशन आ रही थी उससे कोप अप करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो प्रॉपर क्वालिफाइड होनी चाहिए। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग टीचर्स ट्रेनिंग, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू टीचर्स की जो ट्रेनिंग है करके उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करी। द सर्विस कंडीशन जो सर्विस कंडीशन थी प्राइमरी टीचर्स की वो इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी कि जो जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की फैसिलिटीज वहाँ होनी चाहिए, उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय अपना दे सकें और भी एफर्ट कर सकें बच्चों के लिए। एंड देयर सैलरी शुड बी इंक्रीज, उनकी सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि टीचिंग का जो जॉब है वो थोड़ा टेम्पटेड बना रहे, लोगों में एक टीचिंग के लिए इनिशिएट टीचिंग की जॉब को इनिशिएट लेने की इच्छा बनी रहे। नेक्स्ट, उन्होंने जो सजेशन दिए वो सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग थे।
तो सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने क्या ड्रॉबैक्स उन्होंने फाइंड आउट करे वो देख लेते हैं। पहला तो है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कराने पर ज्यादा फोकस कर रहा है कि एग्जाम पास आउट हो जाने चाहिए, तो टोटली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड दूसरा ये था कि जो फेल्योर स्टूडेंट थे उनकी जो परसेंटेज थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो टीचर्स थे वो वेल एजुकेटेड नहीं थे या वेल क्वालिफाइड नहीं थे। तो ये दो प्रॉब्लम्स उन्होंने फाइंड आउट करी सेकेंडरी एजुकेशन की। तो उसके चलते उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए वो देख लेते हैं। पहला उन्होंने दिया कि यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड लाइक वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। उन्होंने बोला कि केवल एग्जाम पास कराना पर्पज नहीं है सेकेंडरी एजुकेशन का, यहाँ पे कुछ ऐसे यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट यानी कि उनका यूजफुलनेस होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स की, जिसे अपने लिए वो इम्पोर्टेंट समझे, कोई भी स्टूडेंट उन सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझे और उसको उसे उसकी एजुकेशन ले। जैसे कि वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गए, इसका मतलब ये था कि अगर बच्चा आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है तो वोकेशनल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के चलते वो अपना लेवलीहुड तो अर्न कर सके। नेक्स्ट इज पब्लिक एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड फॉर मिडिल स्कूल। उन्होंने मिडिल स्कूल के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करी, क्योंकि कुछ अनफेयर मीन्स के साथ साथ भी बच्चे जो है एग्जाम पास आउट कर रहे थे जस्ट फॉर, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड था, तो उन्होंने उन अनफेयर मीन्स को चेक करने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करी। लास्ट इज प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज, क्योंकि वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं थे जिसकी वजह से बच्चे फेल हो रहे थे, परसेंटेज ऑफ फेल्योर स्टूडेंट बढ़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए या जो अपॉइंट किए जा रहे हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सैलरीज होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टेम्पटेड हो इस जॉब के लिए, एंड देयर सर्विस कंडीशन शुड बी इम्प्रूव। तो ये था सेकेंडरी एजुकेशन के जो भी सजेशन फिलिप हर्टॉग ने दिए। आगे देख लेते सजेशंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन पे फिलिप हर्टॉग के सजेशंस की बात करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की कंडीशन देखी, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि क्राउड बहुत ज्यादा था स्टूडेंट्स का। जितने भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास कर रहे थे वो सभी कॉलेज या स्टूडेंट में एडमिशन ले लेते थे। तो उसको देखते हुए, उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, केवल कॉम्पिटेंट और एबल स्टूडेंट ही एडमिशन दिया जाना चाहिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में। दूसरा उन्होंने बोला कि लाइब्रेरीज, लेबोरेटरी और रिसर्च वर्क की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ऑनर कोर्सेज शुरू करने की उन्होंने बात करी। इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन की उन्होंने बात करी, जहाँ बच्चा हायर एजुकेशन नहीं ले रहा है या सेकेंडरी एजुकेशन में है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन उसे मिलनी चाहिए, जबकि हायर एजुकेशन अगर कोई स्टूडेंट ले रहा है तो वो टोटली जॉब ओरिएंटेड होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो कि उन्होंने यहाँ पे बात करी कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जॉब ओपनिंग है तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंच सके या उसे वो ग्रैब कर सके। वेल क्वालिफाइड टीचर शुड बी अपॉइंटेड, ये तो उन्होंने हर लेवल पे ही बोला कि जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। तो दैट वॉज ऑल अबाउट हर टॉक कमिटी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।